आओ। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में लेसन 3 में बाजूतव घटनी सेल पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा मैं स्पीच दे दूं कि बाजूतव घटनी सेल जो होता है वह सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बैटरी होगा उसको चार्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी हुई, उसको चार्ज करना है तो पहले आप इसमें प्लग लगा के खोजते हैं, विद्युत ऊर्जा में खोजते हैं, तो विद्युत ऊर्जा उसके अंदर जाता है, तो जाने के बाद फिर वह क्या होता है, चार्ज हो जाता है। तो जब वो चार्ज हो गया तो उसी को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। माने विद्युत रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और इसमें हमें बाह्य परिपथ की आवश्यकता होती है। माने उसको किसी न किसी से जोड़ने के लिए आवश्यकता होती है। आपको बता देते हैं कि अगर विद्युत अपघटनी सेल बनाना है, इसको बनाने के लिए खूब सुंदर एक बीकर लेंगे। देखिए उसमें 2 बीकर लिए थे, याद करिए, विद्युत रासायनिक सेल में। देखिए विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें 1 बीकर लेंगे और उस बीकर में कापर सल्फेट का बिलियन लेंगे, जो आपकी इच्छा हो कापर सल्फेट लीजिए, चाहे ना सोडियम को लाइट लीजिए, बात एक ही होगा। कापर सल्फेट लेंगे तो उसमें कापर प्लस में होगा, सल्फेट माइनस में। NaCl लेंगे तो Na+ में Cl माइनस, जो आपकी इच्छा। तो मान लो बीकर लिए, उस बीकर में कापर सल्फेट का बिलियन भर दिया और फिर उसमें 2 छड़ लगाएंगे। कापर सल्फेट का लिए हैं तो छड़ भी कापर का ही होना चाहिए। एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। जो कैथोड होगा वह कैसा होगा, देखो जब काम उल्टा होता तो वैसे उल्टा। आप एक कभी भी भूलिएगा इसके बारे में, तो लोन याद कर लीजिएगा। लोन य से लेफ्ट, ए से एनोड, लोन है ना, ओ से ऑक्सीकरण और यन से निगेटिव। माने इतना जरूरी है कि एनोड निगेटिव, एनोड निगेटिव किसमें, विद्युत रासायनिक सेल में। तो इसमें क्या होगा, एनोड होगा धनात्मक, उल्टा उल्टा, क्योंकि उल्टा भी काम कर रहा है। तो वैद्युत रासायनिक को बदलो तो रासायनिक को वैद्युत में बदल रहा है। तो इसमें जो एनोड लगाते हैं वो धनात्मक होता है, आज जो कैथोड लगाते हैं वो ऋणात्मक होता है। सब आप लिखे होंगे, देखिए ना, आज जो कैथोड लगाते हैं वह शुद्ध कापर का बना होता है, शुद्ध धातु होता है, ये भी आप लिखे होंगे। आज जो एनोड होता है वह अशुद्ध होता है। अच्छा, धारा प्रवाहित करते हैं तो जो अशुद्ध एनोड होता है टूटना शुरू कर देता है, कापर सल्फेट भी टूटना शुरू कर देता है। अच्छा, पूरा टूट जाता है तो सेल यानी बैटरी एकदम आपका चार्ज हो जाता है। तो जब पूरा टूट जाएगा, जैसे कापर सल्फेट डाले हैं तो CuSO4 में टूट जाएगा, जब पूरी तरीके से टूट जाता है तो आपका सेल का हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज करने के लिए इसका प्रयोग होता है, यही विद्युत अपघटनी सेल। समझे बात को, तो इसमें क्या है ना, कोनो चीज़ के दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा ट्रिक के हिसाब से, कि गर्व हो जाएगा, बाप रे बाप इसमें एनोड प्लस में रहेगा, ये एक प्रॉब्लम है आपके पास, हम देख रहे हैं एनोड प्लस में होगा कि कैथोड प्लस में होगा। तो आप उसमें लोन देखिए, लोन तो ये आता, तो एक मतलब एनोड, यन का मतलब निगेटिव, वो वैद्युत रासायनिक सेल का है, इसी का उल्टा ये काम कर रहा है। तो इसमें जो एनोड होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड क्या होता है, निगेटिव हो जाएगा। तो पहले आपको चित्र बना करके हम समझा देते, सीख लो, सीधा बैठो, गाल पर हाथ नहीं रखो। आइए, क्या होगा कि आप एक बीकर लेंगे, ले लिया सर आपने, एक बीकर ले लीजिए, इसके अंदर का आपको डाल देना है कापर सल्फेट का बिलियन, क्या डाल दिया आप, कापर से ही हो या सब हो, इसको कापर सल्फेट का था। और हम इसमें 2 छड़ डालेंगे, कितने छड़ डाले आप, 2 छड़ डालेंगे, हाइड्रोजन होगा, ऋणात्मक होगा, इसको हम लोग कहेंगे कैथोड, और हाई कैसा होगा, धनात्मक, इसको कहेंगे एनोड, ये धनात्मक है तो इसको कहोगे एनोड। अच्छा, ये भी कापर का होगा बाबू, और ये भी कापर का होगा, लेकिन ये होगा प्योर और एक होगा इन प्योर, और तब लिया के करा के प्लस माइनस, प्लस माइनस, इसको क्या कर हमने जोड़ दिया, जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या होगा कि तनिको बढ़िया सब देखिए, सब लोग देखो, जोड़ने के बाद इसके अंदर धारा प्रवाहित होना शुरू,
शुरू हो गया। तो कापर सल्फेट अब टूटना शुरू, कापर देखो तब टूटेगा ना, से कापर सल्फेट देख लो जब ये टूटेगा तो सी यू के ऊपर डबल प्लस और एस ओ फोर के ऊपर डबल माइनस में टूट गया, टूटना शुरू, टूट गया टूट गया टूट गया। पूरा जब कापर सल्फेट टूट जाएगा आज रखा यह शुद्ध बा तो ये टूटना शुरू हो जाएगा, और जितना कापर बा सब जाके इस पर इकट्ठा हो जाएगा। कापर सल्फेट टूट गया जब पूरा टूट जाएगा तो ये आपका जो बैटरी है या जो सेल है पूर्ण रूप से कहाँ हो जाएगा, चार्ज। और देख लो आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपके पास वैद्युत रासायनिक सेल है और जो ये वैद्युत अपघटनी सेल, इसमें अंतर क्या है? तो पहला तो अंतर ऐसे ही दिखा रहा है कि जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है उसको बाहर बाहरी परिपथ से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल को बाहरी परिपथ से जोड़ते हैं। और दूसरा का ही होता है वो उसमें वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल रहा था, आई वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तीसरा कहेंगे उसमें जो एनोड होता था निगेटिव होता था, इसमें एनोड क्या हो रहा है धनात्मक हो रहा है, देख रहे हो उसमें कैथोड क्या होता था प्लस में हो जाता, इसमें कैथोड क्या होता है माइनस में। इस तरीके से अंतर आपको पूछा जाए, कई बार हम देखते हैं अंतर हुए पूछ दिया तो आप लोग छोड़ेंगे क्या अंतर, नहीं छोड़ेंगे, लिखा देंगे हम आपको। पहले इसके बारे में लिखिए क्या बात समझे, क्या क्या मैंने बोला, मैंने चित्र बनाया, क्या आपको कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं। राकेश बाबू स्वागत है आपका 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, उत्साह का दिन है, जी करता है कि देश खातिर मेरा भी जान कुर्बान हो जाए, ऐसा दिन है आपका, बोलिए। अच्छा आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जरा सोचो ए बालक, वहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा सा एक और बात बता दूँ, लोन का नाम आप सुने थे वैद्युत रासायनिक सेल में, तो ये लेफ्ट में था क्या होता था ऑक्सीकरण होता था क्या होता था एनोड, लेकिन उल्टा हमने लेफ्ट में तो लिया है सही है, लेकिन एनोड के जगह पर क्या लिया है, एनोड के जगह पर क्या लिया है कैथोड, दिख नहीं रहे हैं ना लेफ्ट है, और जहाँ निगेटिव था तो हमने निगेटिव तो लिया है क्योंकि निगेटिव तो होता है, लेकिन हमने एनोडवा के जगह पर क्या ले लिया कैथोड। आप मुझे बताओ कि वहाँ जब आप पढ़ रहे थे तो कौन सी क्रिया हो रही थी, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही थी ना, तो यहाँ भी कैथोड के ऊपर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, इससे क्रिया होगी ऑक्सीकरण की क्रिया में आपको याद रखना होता है हमेशा जो होता है कैथोड पर ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होगी, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा था तो उसका उल्टा होगा, यहाँ पर अपचयन होगा, वहाँ निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट में निगेटिव रहेगा, लेकिन जहाँ एनोड है तहाँ कैथोड हो जाएगा और जहाँ ऑक्सीकरण है तहाँ क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। मतलब ठीक से याद करो, देखो जो पढ़ाई होती है पढ़ाई में एगो लक्ष्य चिन्हाना चाहिए, लक्ष्य का मतलब क्या होता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो भले टाइम लगे तो कहा, लेकिन उसको एकदम पूर्ण रूप से सीख जाना चाहिए। हाइलोन की बात हो रही है तो आपका लेफ्ट सही है एकदम सर, लेफ्ट है ये लेफ्ट में है बायां हाथ की तरफ, निगेटिव सही है तो निगेटिव आपके पास है सही है, लेकिन भाई दोनों चेंज हो जाएगा, जहाँ एनोड है तहाँ कहाँ आ जाएगा, अंग्रेजी में कैथोड लिख दिया गया, हिंदी में भी लिख सकते हैं, और जहाँ ऑक्सीकरण है वहाँ पर कहाँ आ जाएगा आप चेंज कहा गया। अगर मैं आपसे पूछूँ सर कि आप बताइए कि कैथोड पर जो कैथोड देख रहे हैं कैथोड पर रासायनिक अभिक्रिया, कैथोड पर तो क्या होगा ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन, अपचयन होगा, अतः अपचयन का मतलब होता है ना का पहले ही वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और यहाँ पर सी यू, और आपको बताइए दू को प्लस हमेशा कापर के ऊपर रहता है तो दू इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, बताएंगे दू लिख के दू इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, अरे यार आपको तो बहुत खुल्लम खुल्ला ऐसा बताया जाता है, दू इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए दू को क्या केवल कापर बन जाएगा, किस पर ये रिएक्शन हुआ है कैथोड पर रिएक्शन हुआ, कहीं भूलिएगा मत इसको, मान जो कैथोड होता है उस पर कोई रिएक्शन पूछेगा तो इसी तरीके से आपको लिखना, तो सीखे कि नहीं सीखे, सीख गए होंगे। और आपको बता देते हैं यहाँ नीचे लिख देते हैं कि एनोड पर क्रिया, किस पर एनोड पर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी भाई, तो ऑक्सीकरण होगा ना इसमें, और जब उसमें ऑक्सीजन होगा तो इसमें ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का मतलब है कि टू कापर ऐसे ही रखेंगे और ये आपके पास टू इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, क्या
तो इस पर आपकी क्रिया बोलिए। क्या मुझे लिखाने की ज़रूरत है कि आप लिख लेंगे? सर्वप्रथम मैंने एक बीकर लिया, ले लिया सर, देखिए बीकर लिया गया है, उसके अंदर मैंने कापर सल्फेट भर दिया, एकदम भर दिया है सर, उसमें दो हम लोग छड़ लगा दिए हैं, एक एनोड का है वो भी कापर का, एक कैथोड है वो भी कापर का है, जो एनोड है वो धनात्मक है, वह अशुद्ध है, देखिए लिखा गया सब, और जो कैथोड है वह ऋणात्मक है और वो क्या है, शुद्ध है। उसके बाद से इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, खाली कापर के छड़ भी लगा देंगे ठीक है, तो कापर सल्फेट टूटना शुरू हो जाता है, और जब तक टूटता है टूटता, जितना ही अधिक टूट जाएगा, पूरा टूट जाएगा, तो सेल पूरा क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इस तरह से कैथोड एनोड पर सब जो रिएक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिखाने की जरूरत है, नहीं लिख लेंगे, एकदम लिखा जाएगा, लिख कर लेंगे, लिखकर में कापड़ से बना लीजिए, लिख लेंगे। वह फिर नया वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर, आइए वैद्युत अपघटनी, पहले रासायनिक लिख दें कि अपघटनीय लिख दें, चलिए अपघटनीय से लिख लीजिए, रासायनिक सेल में अंतर। सुनो, इसके लिए तो ट्रिक है लोन, इसके लिए ट्रिक है लोन, आज के लिए ट्रिक है लोन के उल्टा, कौन कौन नहीं, लो एल आर सी एन, एल आर सी एन ठीक है, पहला 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 बात आपकी क्या होगी, जरा सोचिए, वैद्युत अपघटनी सेल जो होता है इसको बाह्य परिपथ से जोड़ना पड़ता है, ना जोड़वा धारा ना बही और ना बही तो ना चार्ज होगी। लोग कहते हैं कि आपका मोबाइल चलाने से पहले सबसे बड़ी टेंशन है उसको चार्ज करना, ये दिक्कत होता है, तो इसका काम क्या होता है, इसको बाह्य परिपथ से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसको बाह्य परिपथ से जोड़ने की जरूरत नहीं, पहले को पहला अंतर नहीं, इसे बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं, इसे बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं और इसे बाह्य परिपथ से नहीं जोड़ते हैं, पहले लिखते रहना, समझते भी रहना, पहला बात। दूसरा बात क्या कहोगे, सुनो, दूसरा बात क्या कहोगे कि ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, आइए रासायनिक ऊर्जा को, ये भी लिख लो, दूसरा लिख लो, यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, दूसरा लिख लेना, यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता, चलिए भैया तीसरा आ जाइए, तीसरा में क्या कर सकते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल में एक उल्टा लिखाएगा, एनोड पर का, एनोड कैसा होता है, धनात्मक होता है, एनोड कैसा होता है, उस पर कौन सी अभिक्रिया होती है, आप चयन करके उल्टा लिखना ठीक है ना, इसमें एनोड धनात्मक होता है, मजा आता है लिखने में, सब केमिस्ट्री तो बहुत सिंपल विषय, तथा इस पर अपचयन की क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया, या लाइट भग गया था, इन्वर्टर डाउन हो गया, तीसरा आइए, इसमें एनोड कैसा होता है, निगेटिव एनोड ऋणात्मक होता है, तथा इस पर
ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। चार नंबर लिख लो, चार नंबर में तो आप यही कह सकते हैं कि जो इसमें आप इसी के साथ उल्टा लिख दो, कैथोड ऋणात्मक होता है, और इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। चलिए, इसमें कैथोड धनात्मक होता है, कैथोड धनात्मक होता है, और इस पर ऑक्सीजन की क्रिया होती है। नोट करके देखते हैं। आइए अब आते हैं विद्युत अपघटनी संबंधी फायर राटे का नियम। विद्युत अपघटनी संबंधी फराडे के नियम, देखो इनके दो नियम है, कितना नियम है, तो पहला नियम यही होता है आपका कि किसी इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड का मतलब ये यार, ये तो इलेक्ट्रोड जाने का होता है, इलेक्ट्रोड धातु के बिलियन में जब छोड़ डालते हैं उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो ये भुला जाते हो तुम लोग। अरे बिलियन ले लो, कॉपर सल्फेट ले लो, बस सही डाल दो, क्या करो डाल सकल, पानी ले लो, अरे पानी के मैं डाल दे रहा था, इलेक्ट्रोड कर डाल दो, डाल दो इलेक्ट्रोड ना याद के, टमाटर बेचो क्या होता है ना, जब किसी बिलियन में धातु के छाल क्या करते हैं, डाल देते हैं इसको इलेक्ट्रोड करते हैं। जब डालोगे क्या डालोगे, भुला गया क्या डालबो, है इलेक्ट्रोड डालोगे तो इस पर जो होगा पदार्थ की मात्रा उत्क्षेपित होगी, क्या मात्रा ये भुला गया, तो कहोगे कि पहला नियम यह कहा कि किसी इलेक्ट्रोड पर उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होता है, सुनैया जो पदार्थ की मात्रा होता है वो आवेश के समानुपाती होता है, पहला ये कलर है फैराडे, आ तू चाहता है तो डब्ल्यू बराबर आई क्यू के जगह पर क्या लिख सकल है, आई टी लिख सकल है, एगो नियतांक आता है जेड, आई जेड के जगह पर लिखा गया क्या लिखते हैं याद है, क्या लिखते हैं जेड के जगह पर, जिसे बिलियन में उपस्थित मैंने यहाँ पर लिख रहा फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे कानून का मान के नहीं कर 90% लेके आई खत्म भर लगी, 5000 वही बड़ी ज्यादा है, किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी बिलियन में उपस्थित इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा W लिख लेना आवेश के समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती होता है, यानी आप यहाँ पर चाहें तो Q बराबर जेड आई टी लिख सकते हैं, एक सूत्र आपका बनता है Q बराबर जेड आई टी, तो पहले यही होता है कि जो पदार्थ की मात्रा होता है, हाँ डब्ल्यू बराबर लिख लेता है, वह डब्ल्यू बराबर क्यू होगा क्योंकि जब आई टी होता है ये पढ़े होंगे आप,
चलो यह पहला नियम है, याद करो, सब भुला जाते हो लेकिन नहीं मत भुलाना। जो पदार्थ की मात्रा होता है धारा के समानुपाती होता है, ऐसे भी कह सकते हो जो पदार्थ की मात्रा होता है आवेश के समानुपाती होता है। याद करो पदार्थ की मात्रा आवेश के समान, पदार्थ की मात्रा आवेश, सब याद करो। क्या करें, पगला गए तुम लोग पढ़ाई देते। जो पदार्थ की मात्रा होता है आवेश के समानुपाती होता है, पदार्थ की मात्रा और आवेश के समान। अगर आवेश के जगह पर यार आई टी होता नहीं है, केवल आई टी होता है। ऐसे भी कह सकते हैं पदार्थ की मात्रा धारा के समानुपाती है। चलो घर के लोग तो बोले बाप रे, मैं लड़का बाप रे, मास्टर साहब दो दो टाइम बुला के पढ़ा होता है, एकदम सीना तान के कहता होगा, एकदम खुश हुए लेकिन कि हमारा बच्चा दो दो घंटा पढ़ा था, बाप रे कितना अच्छा मास्टर साहब आ रहा, कितना हमारा बच्चा मेहनत करता था। हाँ अरे फराड़े कम तो रहे तुम लोग, अब बरगद के पेड़ के आगे नेबुआ के पेड़ तो कबो कमजोर रही, फराड़े की दृष्टि नहीं है। पास में क्या करे बनो, जो पदार्थ की मात्रा होता है तुल्यांक के भार का क्या होता है समान पर, इसमें पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होता है। हाँ चलो चलो पटना चलो, तुल्यांक भार के, तुल्यांक भार के समानुपाती। बिहार के बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं जान जाना, डब्लू समानुपाती ई भैया दोनों नहीं होने के फराग दे। याद भी हो गया होगा कि तुल्यांक की भार जो होता है पदार्थ की मात्रा जो होता है तुल्यांक की भार के समान होती है। जहाँ जेड व जेड भी लिख लेना कि अणु भार बटा में यन गुण यफ होता है, यन गुण यफ का है यह माने होता है, मालूम बाकी फहराड़े नहीं होता है, जब पूछ ले फहराड़े नहीं है, हटा के अगर पूछ लिया तो वो फहराड़े नहीं होता है, ठीक है। अयन का है ठीक है, लिखा गया याद चले लिखो, चलो मिटा है तो लिख लिया कब पूरा पहले ही लिख लिया करो, सब हो गया चले ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग हल करेंगे, क्या हल करेंगे न्यूमेरिकल। चलो भाई क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन वन कह रहा है कि एक बिलियन में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटा तक प्रवाहित की जाती है, तो इस बिलियन का पदार्थ की मात्रा बताइए। और पदार्थ के रूप में कॉपर सल्फेट का यूज किया गया है, लिख लो। एक बिलियन में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटा तक प्रवाहित की जाती है, तो पदार्थ की मात्रा बताइए। और जहाँ कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट का अणु भार दे दिया है 63.5। आइए, 1 बिलियन में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटा तक प्रवाहित की जाती है, तो पदार्थ की मात्रा आपको बताना था। देखिए पहले का दिया है, हल करिए का दिया है बताओ भाई। 5 एम्पीयर दिया है, किसका मान है आई का मान, और टी का मान कितना दिया है 1 घंटा, तो 1 घंटा घटा दो 3600 से गुणा करो तो 3600 सेकेंड हो गया। आर डब्ल्यू का मान पूछ रहा है, हाई देखिए अणु भार दे दिया, क्या दे दिया। अब बताओ मुझे कोई दिक्कत होगा आपको पदार्थ के मात्रा, डब्ल्यू बराबर अरे दीवानो अणु भार को पहचानो, यह फहराड़े नियतांक यह फहराड़े नियतांक, चलो भर दो सूत्र हो गया यार, क्या दिक्कत है इसमें ना नंदू, भर दो अणु भार तक मालूम है बात 63.5। आयन यान 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 इसमें दिया है का, यन उसमें रिएक्शन इसको देना चाहिए, नहीं लिखा गया है, तो यन का मान 1 मान लो, क्या करेगा
लेकिन हाँ एक बात सुनिए, कापर सल्फेट अंदर टूटा गया तो कापर के ऊपर 2 प्लस आएगा, एकदम निश्चित बात है, 2 लिखा जाएगा। आई आप कमान 96,500, आई कमान 5, टी कमान 3600, आई 2 अंडा से 2 अंडा गायब, अब जान बच्चा है और आई तक 2 से आइयो गायब 18 बार में, आई बाप आइयो 5 से गायब हो, 5 का 5 9 5 9 45 5 15, तो कहा बच्चा बच्चा 63.5 गुणे 18 और बटा में 193, बस में गुणा करके 193 है तो भाग दे दो तो हमारे पास आंसर निकल कर के आ जाएगा कितना, 5.0 ग्राम आंसर। इस टाइप के सवाल अगर आ गए तो छोड़ेंगे क्या आप लोग, लेकिन जब याद ऐसे उतरवे नहीं आते तो कल छूट ले बा, भाई ना आते तो छूट ले बा ना हो, लिख लो लिख लो, तरी तैयारी कर लो, तब आने वाला समय में इंजीनियर बन बोला हो गया तीन के लिए, तो इसे कर दूसरा क्वेश्चन हल करता आप चाहे किताब के चाहे सब किताब के सवाल है ये जान जाओ। 1 बिलियन का तुल्यांकी भार 10 तथा उस पदार्थ का मात्रा 10 ग्राम है, दूसरे बिलियन का पदार्थ का मात्रा 50 ग्राम है, तो तुल्यांकी भार निकालो। माने देखो पहला बिलियन का तुल्यांकी भार बात युवा लिखा जाए, लिख लो 1 बिलियन का तुल्यांकी भार 10 तथा पदार्थ की मात्रा 20 ग्राम है, यदि दूसरे पदार्थ की मात्रा 50 ग्राम है तो तुल्यांकी भारम बतंती, तुल्यांकी भार बताइए। चलिए हो गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये तुरंत आप हल कर लो, हल किया जाए। देखो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 1 बिलियन का तुल्यांकी भार है तो E1 का मान है 10 दिया है, पदार्थ की मात्रा W1 का मान है 20 दिया है, दूसरे पदार्थ की मात्रा W2 का मान दिया है, IE2 का मान आपका पूछ रहा है, इतना जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आकाश बाबू समझ में आया सवाल, खड़ाघट लग सकता है, चलो हल करो हल। तुल्यांकी भार E1 का मान 10, आई देखा W1 का मान 20 ग्राम, एन आ जा E2 निकाले कोई तारा एकदम हैदराबाद, W2 का मान 50 ग्राम, तो तू जानते बड़ा कि E1 बट्टा E2 अरे तो W1 होला ना, W1 बट्टा W2 बराबर E1 बट्टा E2 होता है, वो ए मरे W समझ पाते ही होता है यार, कहाँ पढ़ते हो तुम लोग, तो दोनों मार लो, W1 तो E1, W2 तो E2, W1 तो E1, और W1 के बाद लिखा 20, आई 10 नहीं 50, E1 का मान दस, E2 तो हमको निकालना है, मार दो गुणा 33 हजार लेते नहीं, तो 20 गुणा E2 बराबर आई 500, मैं गुणा तो 500 हो गई, 50 से 10 गुणा 500, 500 की अंग्रेजी में 10,000 E2 बराबर 500 बटा में 20 है, 0 से 0 है काटे 25 बार में, E2 के मान 25 आंसर हो गया, खत्म कर 0 से 0 काट दो, एक काट दो तो 25 आ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए कोई दिक्कत, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आप, बोलिए। कल के लिए आप लिख लीजिए, कल बना के लेकर आना आपको उदाहरण नंबर 3.10।